आप क्या कह रही है आप जरा यहाँ भी तो मुतव किसी भी किस्म का पांच मिनट का वॉइस ओवर आप मुझसे सिर्फ ढाई सौ रुपए में करवा लें और भी, भी अपनी क्यों मार्केट खराब है और साथ में हमारी भी <laughs> <थो>। <laughs> मैं हल्फ उठाती हूँ जो कह रही हूँ अपनी मर्जी से कह रही हूँ और बिल्कुल ठीक ठीक बोल रही हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है वॉइस ओवर में नीडियो देखी तब मैंने आपको सुनना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने कॉमेंट खोले तो आप कह रहे थे कि मेरा कोर्स ज्वाइन करें

मास्टर्स किसी में किया किस था किसकी तरह यूटर्न ली नहीं वो मेरे फेवरेट है <laughs> <थुणी>। <laughs> अब हम भी एज ऑडियंस थक गए ये देख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान रहीम बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं टेबल टॉक का जो सिलसिला है उसकी एक और कड़ी एक और एपिसोड के साथ हाजिर है है अच्छा इससे पहले जितनी भी हमारी एपिसोड्स थी उनमें मैंने कोशिश की कि उन लोगों को मधु किया जाए उन लोगों को बुलाया जाए जो कुछ ना कुछ कर चुके हैं जिन्होंने कुछ न कुछ अचीव कर लिया है आ, कैसे किया किस तरह से आप कर सकते हैं कोशिश मेरी यही थी कि सीखने सिखाने का ये सिलसिला इसी तरह से आगे चले आप लोग सीखें उससे आज मैंने फ्यूचर स्टार को जो है वो यहाँ पर इन्वाइट किया है वो तो फ्यूचर स्टार कौन है कहाँ से हैं हम उनको खुशामदीद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम सर अस्सलाम कैसी हैं आप अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले तो एक था। सा तारुफ करवाएं अपना कौन है और इस सीट पे क्यों हैं आप मेरा नाम खौला है और मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट अभी बनी तो नहीं हूँ लेकिन अभी मैं बन रही हूँ जब से सर अदील शाहिद की क्लासेस ज्वाइन की हैं मैं वॉइस ओवर पहले अपनी ही हिसाब से करती रही कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स भी उसमें आती थी और कुछ बताने वाला भी नहीं होता था कि आपने इस चीज़ को कैसे करना है तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए टेंशन थी तो मैंने बहुत देखा कि कोई कौन है मार्केट में जो सिखा रहा है मुझे कहीं से नहीं पता चला फिर सोशल मीडिया के थ्रू मुझे सर अदील का पता चला दैन मैंने सर से कांटेक्ट किया कि सर मैं आपसे सीखना चाहती हूँ जो मैं कर रही हूँ उसको मजीद मतलब मैं बेहतर करना चाहती हूँ दैन सर अदील की हमने क्लासेस ज्वाइन की और अलहमदिल्ला अभी हमने पे तहाशा सीखा है और अभी और भी सीखेंगे अच्छा इस पे हम बात करेंगे खाला आप वैसे आ, क्या करती हैं क्या एजुकेशन है आपकी और इस तरफ आने का कैसे मतलब के वॉइस ओवर या वॉइस ओवर इंडस्ट्री जो है वो इसको तो बिल्कुल अच्छा समझा ही नहीं जाता या ये समझा जाता है कि ये तो बस बस माइक उठाया और कर लिया तो क्या करती हैं आप वैसे आम अमूमी तौर पर और इस तरफ कैसे आपने सोचा आने का uh, मेरी एजुकेशन जो है वो मैंने एम कर रखा है बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो कि बिल्कुल ही अलग फील्ड है hmm. लेकिन इसका ये था कि जब मैंने जॉब स्टार्ट कर ली तो उस पर मुझे कहीं ना कहीं सुनने में मिला कि आप अच्छा बोल लेती हैं आवाज़ अच्छी है तो मैंने फिर जाके ध्यान देना शुरू किया कि अच्छा मैं अच्छा बोल लेती हूँ hmm. तो उसके बाद फिर जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की तो वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए जहाँ पर मैं ऑन कैमरा भी प्रोग्राम्स वगैरह करने का मुझे मौका मिला तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गया मेरे में। hmm. फिर उसी जॉब पे रहते हुए मतलब आप कहेंगे ये मेरी एक सेकेंड जॉब थी hmm. तो वहां पे मुझे पता चला कि वॉइस ओवर भी कोई एक चीज होती है जहां आप चीजों को पढ़ते हैं आप कैसे पढ़ते हैं कैसे उसमें एक्सप्रेशन दिए जाते हैं तो ये मुझे तब पता चला तब मैंने उस जॉब पे रहते हुए साइट पे अपने वॉइस ओवरस जस्ट अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए कि क्या होता है बेसिकली तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को किया फिर वो तकरीबन एक से डेढ़ साल मेरी ख़ुद की प्रैक्टिस रही मैं वॉइस ओवर्स वगैरह करती रही जैसे तैसे करती रही करती रही फिर थोड़ी थोड़ी बेहतरी आती गई अच्छा वो जो वॉइस ओवरस करती थी वो क्या था मतलब कोई स्टोरी थी कुछ किस टाइप के वो वॉइस ओवर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी उनमें मैं फॉर एग्जाम्पल जैसी छोटी सी कोई रिपोर्टिंग करनी है वो तो मैं ऑन कैमरा भी कर लेती थी लेकिन कोई स्टोरीज आ जाती थी कोई न्यूज़ टाइप छोटा सा कोई आ जाता हमारे पास तो मैं उनको रिकॉर्ड करी होती थी आई बी आर मैंने एक या दो ही किए थे ज़्यादा नहीं किए थे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होती थी जो हम लोग खुद ही उनको रिकॉर्ड करते थे तो उनके लिए मैं वॉइस ओवरस कहीं ना कहीं वहीं से मैंने स्टार्ट किया था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज थी मैंने एड्स वगैरह किए थे तो इस तरह मैं छोटी छोटी चीज़ों से मैंने स्टार्ट लिया था माइक्रोफोन वो, भी मुझे वो टेक्निक मालूम नहीं होती थी उसको आप थोड़ा सा जो शायद आपने बताया था कि हाँ। साइड पे करके करेंगे तो आवाज और अच्छी आती है तो मैं नॉर्मल उसको रिकॉर्ड करती थी देन मुझे फिर किसी ने बताया कि एक काम करो अपने मोबाइल के कितना तकिए रख दो तकिए रख के उसको बंद कर दो तो फिर शायद के आगे म, नहीं पीछे अच्छा पीछे लाइक मोबाइल रख दिया आपने पीछे उसको कवर कर दें तो फिर आप बोले तो शायद आपकी आवाज थोड़ी और तो मैंने वो वाली टेक्निक भी यूज की फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं कोई माइक यूज नहीं करी थी ठीक है मैं सिंपल यूज करती या अगर मैंने स्टूडियो में कोई ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग की थी तो वो बोया के माइक थे जो आपको पता ही है <laughs> उन्हीं पे करती थी फिर मुझे जब आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद पता चला कि अच्छा मार्केट में ये माइक्रोफोन्स है मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए उसके बाद जाके मैंने माइक्रोफोन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसके बाद अच्छा डिफरेंस फील होता है अच्छा, आवाज कौन सा बैच आपने मेरा स्टार्ट किया था मुझे वो पहले वाले बैच का नहीं याद कि वो कौन सा जॉइन किया सर मैंने आपके दो बैच जॉइन किए थे पहला वाला मेरे ख्याल से मैंने कोई एट में से कुछ शायद किया था और एक अभी आपका जो गुजरा है, ये दो बैच मैंने आपके ऑनलाइन का एक बैच किया देन दूसरा क्यों? एक जब मैंने बैच किया सर तो अः उसके बाद थोड़ा लगा कि अच्छा ये चीजें हैं मैं ये कर सकती हूँ जब मैंने करना स्टार्ट किया तो लगा नहीं अभी कुछ और भी है मतलब मुझे लगा कि अभी भी पूरा नहीं हो रहा अभी मुझे और भी इसको बेहतर करना है देन मैंने आपके साथ सेकेंड बैच ज्वाइन किया और फिर फिजिकल का मुझे इसलिए फील हुआ कि जब तक आप फिजिकली जा चीजें नहीं सीखते ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं है मतलब ठीक है ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ा देते हैं बट जब आप फिजिकली जाके करते हैं तो वो बिल्कुल एक हटके चीज़ है तो आप वहां पे फेस टू फेस टीचर से पूछ भी लेते हैं कि हमें ऐसे प्रॉब्लम है फॉर स्पेशली बोल के आप बता देते हैं ऑनलाइन अगर आपको बोलते हैं आप ऐसे बोलें तो आप प्रैक्टिस ही कर लेते हैं बट फिजिकल में आप उनके सामने परफॉर्म करते हैं तो फिजिकल का एक्सपीरियंस तो सबसे हटके अच्छा आपने पहला बैच किया उसके बाद आपने फिर दूसरा बैच किया पहले बैच करने के बाद आपको लगा कि कुछ बेहतरी आई फिर आपने अगेन पहले बैच के बाद दूसरा बैच किया तो पहले बैच में जो सीखा और जो दूसरे बैच में सीखा क्या एक ही चीज़ें थीं या कुछ नया भी आपको मिला दूसरे बैच के अंदर करने से वो क्या डिफरेंस था सर डिफरेंस था लाइक uh, like, जब मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था तो तब मैंने ना uh, बेसिक चीज़ें सीखी फॉर hmm. एग्ज़ाम्पल हम वॉइस ओवर के अंदर ना न, सबसे इंपॉर्टेंट है हम स्क्रिप्ट को कुछ नहीं समझते hmm. हम कहते हैं हमने कहीं से भी अखबार या कोई चीज़ उठा ली और हम पढ़ना शुरू कर देंगे hmm. लेकिन ऐसा नहीं होता hmm. पहले कोर्स से मुझे पता चला कि स्क्रिप्ट को पढ़ना और उसके अंदर पॉजेज कहाँ लगाने चाहिए ये कितना ज़रूरी है और आपकी आवाज़ एकदम चेंज हो जाती है आप एक सेंटेंसेस को बहुत तरीक़ों से बोल सकते हैं और उस वक्त हमने एक्सरसाइज़ेस भी सीखी और ये थी मेरी पहली क्लास की इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सबसे पहले ग्रेव्य पहले की, कोर्स की। पहले कोर्स में सेकंड में आके माइक्रोफोन्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मालूम हुआ एक्सरसाइजेज़ और ज़्यादा सीखी हमने ठीक है सर और इसके अलावा जो हमने प्रीसेट बनाए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे आके सेकंड क्लास में सीखा और ये कि वॉइस ओवर के अंदर एक्टिंग कितनी ज़रूरी है और आपके एक्सप्रेशन जितना कमाल लेके आते हैं वो सेकेंड में ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया था तो वहाँ से पता चला कि हाँ जब तक आप खड़े होके हाथों को नहीं हिलाएंगे, चेहरे की एक्सप्रेशन नहीं देंगे तो आवाज़ वैसी नहीं निकलती ये सेकंड क्लास में मैंने बहुत सीखा अच्छा मुझे ये याद ही नहीं रहा कि शुरू में आपसे ये आ, कहने का या कहलवाने का हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है या ये आ, ये जो कुछ भी चल रहा है ये मैं खुद फर्स्ट टाइम खाला से पूछ रहा हूँ और ये जो बता रही हैं ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ आवाम की वो क्या कहते हैं ना कि यकीन दहानी के लिए या उनके लिए कि नहीं जो कुछ आप कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं तो वो आप एक हल्फ उठाएँ कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं ठीक कह रही हूँ <laughs> मैं हल्फ उठाती हूँ मैं जो कह रही हूँ अपनी मर्जी से कह रही हूँ और बिल्कुल ठीक ठीक बोल रही हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं आ, है मेरा भी शायद ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह बता रही हूँ कि मैंने क्या सीखा है और किस तरह ये काम किया चलें हम पहले कोर्स से दूसरे में आए दूसरे के बाद हम फिर तीसरे में फ़िज़िकल में आए फिजिकल में और ऑनलाइन में आप आपने क्या अलग उसमें किया क्या अलग सीखा ऑनलाइन में जैसे मैंने कहा था कि टीचर आपको गाइडलाइन दे रहे होते हैं आप पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी होती है जो आपको असाइनमेंट्स मिलती है आपने वो करनी होती है उसमें ये होता है कहीं कही ना कहीं क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं आपके दिमाग में कुछ सवाल रह जाते हैं जो आप इतने ज़्यादा नहीं पूछ सकते एक तो आपके पास टाइम लिमिटेशन होती है क्लास एक दो घंटे की है उसमें सब बच्चों ने पढ़ना है फिज़िकल का ये है कि जब आप आते हैं तो आप अपनी सारी कन्फ्यूजन्स को ये जो भी आपके माइंड के अंदर सवाल होते हैं ना वो आप अपनी टीचर से फ़ेस टू फेस पूछते हैं और ख़ुद प्रैक्टिस करके बताते हैं कि देखिए अगर मैंने ये किया तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ तो फिज़िकल का ये फ़ायदा है कि टाइम लिमिटेशन शायद इतनी नहीं होती और आप खुल के एक्सपीरियंस करते हैं प्रैक्टिकली करके बताते हैं टीचर को अच्छा मेरी जो क्लास की स्ट्रेंथ होती है मैं चूंकि ये चीज़ें मैं ऑन कैमरा इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे भी चीज़ों का जो है वो थोड़ा सा इल्म हो वो बारह तेरह मैक्सिमम पंद्रह तक आ, क्या वो ठीक होती है कम होती है या ज्यादा होती है सर वो जो आपकी ऑनलाइन की स्ट्रेंथ है मैं कहती हूँ कि जितनी है सर वो ठीक है हुँ. वो जितने ज्यादा होते हैं ना तो वो पूछते पूछते में ही हमारा इतना टाइम गुजर जाता है हुँ. तो वो जितनी अभी लिमिट है मेरे ख्याल से सही ये बेहतर है

बड़े हैरान होंगे कि माइक्रोफोन <laughs> हाँ। अपनी आवाज के लिहाज से माइक्रोफोन कौन से यूज करने सिर्फ आवाज के, के लिहाज से या कुछ और सिर्फ बाकी चीजों के लिहाज से देखा जैसे हम दो कैटेगरीज लेते हैं कि कुछ नॉइज को कितना ज्यादा कैप्चर करते हैं कुछ आपकी आवाज में बेस को कितना अच्छा कर लेते हैं हम अपनी आवाज़ और अपनी सराउंडिंग के हवाले से ना माइक्रोफोन सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डायनेमिक और कंडेंसर है अब कंडेंसर माइक हम लोग तब यूज़ करें जबकि बड़ा ही एक ऐसा uh, इन्वायरमेंट हो कि जहाँ पे नॉइज़ बिल्कुल ना हो ठीक है आप फुली कंट्रोल इन्वायरमेंट हो तो वो आप कंडेंसर यूज लेकिन हम आम जो आवाम है ना उनके पास स्टूडियो या कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं होता तो वो कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं उसके बाद फिल्टर्स आ जाते हैं वो आपने क्यों यूज़ करने हैं तो ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि हमें कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करना चाहिए तो जहाँ तक बात है सर फिज़िकल क्लासेस की तो हमने ऑनलाइन जितना सीखा था वो फिज़िकल में प्रॉपर हमने आके एक्सपीरियंस भी किया है मतलब हमने माइक के सामने खड़े हो Uh, किस तरह चीज़ों को डिलीवर करना है ये भी सीखा है माइक से कितने फासले पर खड़ा रहना है जैसे कि मैंने आ कि सीखी थी कि न्यूज़ रीडिंग कैसे करनी है फिर हमने आई वी आर सीखे फिर हमने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो हमारी फिजिकल क्लासेस था वो डायलॉग्स के ऊपर है डायलॉग्स मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक किया ना वो वाकई में बहुत मुश्किल है उनमें पूरी आपको ना एक्टिंग करनी है ये देखते हुए कि पता नहीं कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है लेकिन आपने अपनी आंखों से हाथों से डायलॉग्स के ऊपर हमने सबसे ज्यादा काम किया है जिसकी वजह से ना आपको चीजें बेहतर होती हैं लाइक एक ही टोन में नहीं पढ़ना एक ही टोन में नहीं पढ़ना आपको कहीं अप डाउन अपनी आवाज को कैसे चेंज करना है ये बहुत ज्यादा है डायलॉग्स जो है ना वो इस क्लास में सबसे ज्यादा सीखे जो बहुत अच्छे लगे मुझे आई वी आर तो चल सर सिंपल है वो भी हमने सीख लिया लेकिन ये डायलॉग सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट अच्छा अब देखें आप अगर शुरू में जब हमने आई वी आर की थी तो आपको शायद आई वी आर भी मुश्किल लग रही थी लेकिन अब डायलॉग्स के बाद आई करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा आपको क्योंकि डायलॉग्स एक ऐसी आ, आप यू समझ लें कि एक ऐसा जॉनरा आ जाता है इसके अंदर कि आपको हर तरह का एक्सप्रेशन इसके अंदर गुस्सा है प्यार है आंखें दिखानी है कराहना है हर तरह का एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है जब आप हर तरह की उसमें से गुजर जाते हैं ना तो फिर आप यूँ समझ लें कि वो क्या कहते हैं कि भट्टी में तपने के बाद ही फिर वो कुंदन वाला हिसाब जो है वो हो जाता है तो वो फिर इस पर मैंने इसलिए आगाज़ में कहा था कि शायद हमें ज़्यादा क्लासेस करनी पड़े और वो ज़्यादा क्लासेस का इनडायरेक्टली हम हर दफ़ा नया स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि हर दफ़ा का जो स्क्रिप्ट हो उसमें ज्यादा से ज्यादा डायलॉग्स हों और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन हो आज हमने जो किया था उसमें एक एक फिक्र के अंदर तीन तीन, तीन, तीन एक एक थे, थे।, 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 थे और मजा आया आज आज का करने आज का वाकी का करने में वाकई अच्छा लगा मेल भी भी और <laughs> फीमेल <laughs> साइड क्योंकि हम लोग जेंडर भी चेंज कर लेते हैं फीमेल हो गए फिर मेल की आवाज में कैसे बोल रहे हैं तो फीमेल तो चले हम करते हैं लेकिन एक्सप्रेशंस की गेम आज वाकई में ज्यादा थी अच्छा इसमें फ्यूचर में क्या देखती है अपने आप को Uh, सर फ्यूचर लोगों के हिसाब से तो वॉइस ओवर कोई चीज़ नहीं है uh, कि आप कर लेते हैं कोई बात नहीं लेकिन जब आप माइक के सामने आके ना और फिर जब अपनी रिकॉर्ड की आवाज़ सुनते हैं तो आपको बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं मेरा तो सबसे यही पर्पज़ है कि मैं इन चीज़ों को क्लासेस ले कर प्रैक्टिकली करती रहूँ करती रहूँ कि मैं पाकिस्तान के जाने माने ना वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट हैं है, उन उनमें शामिल हो जाऊँ तो उसके लिए मेरा इरादा अभी फ्यूचर में है कि इनको कंटिन्यू रखूंगी और अगर मुझे जो मैंने सुना है कि रेडियो ज्वाइन करने से आप इन चीज़ों को और ज्यादा पॉलिश और करते पॉलिश तो मेरा हैं। इरादा है कि इन रेडियो ज्वाइन वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से मैं बेसिकली सर के पी के हजारा से हूँ और दूर से आती हूँ सर हर, लेकिन वो क्या हजा, हजारे वाल पता नहीं क्या है नहीं 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 कुछ भी नहीं है नहीं, सर नहीं। <laughs> वो मैं नहीं बोलूँगी सर लेकिन मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है सर अच्छा। ये तो बस लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं सर लेकिन हजारा से हूँ सर और एजुकेशन एप्टाबाद से है ठीक है लेकिन वॉइस ओवर और जॉब के लिए इस्लामाबाद शिफ्ट है ये कभी दर, कभी दर, कभी इधर 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 ये क्या चक्कर है सर हम चाह रहे कि जगह को एक्सप्लोर किया जाए देखा जाए कि कौन सी चीज कहाँ बेस्ट मिलती है वहीं से वहीं से की जाए अच्छा तो मतलब के एजुकेशन आपकी अब्टाबाद से है और उसके बाद इस्लामाबाद में तो क्या बेबटाबाद में ही आप आ, या परमानेंटली यहाँ पर आने का इरादा है और यहीं पर कोई रेडियो करने का इरादा है सर मेरा अगर तो वॉइस ओवर जैसे मैं कर रही हूँ मार्केट में और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कंपटीशन में शायद आने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मुझे लग रहा है कि शायद बढ़ेगा भी अगर तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी इन मिल जाएगी तो सर इरादा तो फिर यही है कि यहीं पे शिफ्ट होके इसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू रखूं अपने वॉइस ओवरस को अपने रेडियो को और अगर मुझे ऑन स्क्रीन मौका मिलेगा मौका मिलेगा तो वो भी डेफिनेटली अच्छा ऑन स्क्रीन अगर जस्ट एन एग्जांपल एक टेलीविजन है उस पर आप जाती हैं इंटरव्यू के लिए तो क्या जहन में सोच के जाएंगी कि मुझे इसके कौन से डिपार्टमेंट में जाना है और अगर मुझे वो ऑफ़र कर देते हैं कि सारे डिपार्टमेंट आपके सामने हैं कि कोई भी चूज़ कर लें आप पक्की हैं तो क्या करेंगी उसमें क्या करना पसंद करेंगे अच्छा सर अगर मुझे ऑन स्क्रीन अगर मुझे मौका मिले जो अभी तक मैंने ट्राई भी नहीं किया तो मेरा जो था बोलने के हवाले से मुझे न्यूज इंडस्ट्री के मेरा ये इंडस्ट्रीडिंग न्यूज रीडिंग अच्छा इसके अलावा एंकर देने वाली जॉब है घंटे की आप वही खबरें बार बार पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं सर शौक मेरा पूरा होने के बाद शायद हम क्विट भी कर दें हैं लेकिन शौक पूरा करना अच्छा। न्यूज इंडस्ट्री के सर मुझे थोड़ा सा न्यूज रीडिंग करनी है न्यूज रीडिंग में कौन अच्छा लगता है सर मुझे चैनल के नाम नहीं लूंगी चैनल अच्छा चले, चले चैनल सर मुझे कलर बता दें चैनल <laughs> अच्छा, चैनल नीले रंग वाला है अच्छा नीला और, और, गाजरी <laughs> वो चैनल नहीं पसंद लेकिन अच्छा, वहाँ पे एक एंकर पर्सन है न्यूज रीडिंग न्यूज कास्टर है, मुझे उनका बोलना बहुत पसंद है जुनैद अच्छा उनको उनकी बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा वो मुझे पसंद है ठीक है उनका तलफुज भी अच्छा जी उनको हम पहले शायद वॉइस ओवर में सुनते रहते थे जब मैंने ऑन कैमरा देखा तो मैंने कहा अच्छा ये ये वाली आवाज़ थी तो वो अच्छी खबरें अच्छा नहीं आपने गलत बताया अच्छा आपने कहा अच्छा ये था वो <laughs> नहीं सर अच्छे हैं पढ़ने में भी अच्छे हैं और मुझे उनका स्टाइल पसंद है चैनल खैर बहरहाल नहीं पसंद मुझे वो गाजरी और नीले रंग वाले बाकी ये सर ऑन स्क्रीन जो है मुझे कोई प्रोग्राम्स इस तरह के जो थोड़े से सॉफ्ट टाइप

तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आप विदाउट एनी बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्वमेंट और सारी वो अदाकारी फ़नकारी

दो बंदे ऐसे ही एक फीमेल और एक मेल लाइवली तो सा होता है पेंसिल गिर, गिर रही है वो उठा रहे हैं अच्छा फिर तुमने गिरा दी तो मतलब इतना हाँ इतना लाइवली वो चीजों को लेके चल रहे होते हैं छोटे छोटे से उनके सेगमेंट होते हैं और इन्फॉर्मेशन में वो मान उसको अच्छा लगता है किराए का एक लड़का पकड़ लिया जैसे किराए की लड़की पकड़ ली और शादियां करवा शादी रहे हैं शादी ब्याह हाँ। मेकअप बस आज सही ये सही क्या चल बिल्कुल ही अब हम भी एज ऑडियंस थक गए ये देख के लेकिन पहले तो पसंद था ना शुरू शुरू में सर बहुत अच्छा लगता था शादियां देखने इसीलिए तो वो दिखाते है। हैं कि ये आवाम पसंद करती है इसीलिए तो जो, जो खबरें पढ़ने का था वो पहले सर वो अब नहीं है अब तो वो एक किरण नाज आती है वो तो बहुत इरिटेटिंग स्टाइल में पड़ती है थोड़ा सा ट्राई करके देख देखते हैं नाजरीन ये हो गया वो हो गया वो मतलब सुनने में बंदे को कहते हैं बंद कर दो यार टीवी ये बहुत चिला रही है वो मतलब उनका अंदाज़ बिल्कुल ही पसंद वैसा भी नहीं होना चाहिए जुनेद आप, आप देखे जह, जहां पर आपने जुनेद की बात की तो बड़े धीमे लहजे में और, आ, और बड़े ठहराव के साथ हाँ। और वो हल्का सा स्टाइल भी है उनका उसके साथ वो पढ़ रहे हैं ठीक है अच्छा है तो आ, मतलब वॉइस ओवर या टेलीविजन और रेडियो इंडस्ट्री को ही आपने वैसे प्लान कर रखा है इससे पहले कॉमर्स की डिग्री की है आपने वो सारी चीज़ें ये खुदा की कसम हम नहीं खांस रहे यहाँ पर और जो ऑडियंस बैठी हुई है ये वो खांस रहे हैं तो उसके लिए हम आपसे माजरत खवा हैं अगर आपको खांसी है नज़ला है ज़ुकाम है मौसम तब्दील हो रहा है तो अपना ख्याल करें दूसरों की पॉडकास्ट ख़राब ना करें तो खैर वैसे आ, बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि मैंने मेरा भी पहले कॉमर्स में मास्टर्स था मैंने आ, कुछ अर्सा बैंक में जॉब भी की फिर मैंने एक फर्म के साथ अक, एज ए अकाउंटेंट भी जॉब की लेकिन उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैंने कहा जिंदगी ख़त्म है सुबह जाते हैं रात को आने का कोई पता नहीं है है तो इस जॉब के अंदर भी यही है कि आप जाते हैं जाने का पता है आने का कोई पता नहीं है क्योंकि काम की नोयत ऐसी होती है लेकिन ये वो काम है कि जिसके अंदर मुझे खुद बड़ी दिलचस्पी थी मुझे अच्छा लगता था इंटरेस्ट था इस तरह की कुछ काम करने कुछ नया नया हर दफ़ा यूनिक करने में कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर लाने में वही आप कापी किताबें खोल के बैठे हुए इसके इतने आए इसको इतने दे दिए इसके इतने आए इसको इतने दे दिए अपना कुछ भी नहीं है वहाँ पर तो छोड़ दिया मैंने भी और उसके बाद फिर मैंने बाकायदा कॉमर्स की आ, कॉमर्स को छोड़ के मैंने इसकी मैथ्स कॉम की डिग्री भी की और मैं वल्ला ये बात कहता हूँ कि वो सिर्फ़ डिग्री की हद तक ही था वो सारी किताबी बातें ही थी लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में या जो प्रैक्टिकली होता है वो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया जाता और पढ़ाने वाले ख़ुद कहीं ना कहीं मार्किट के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं कोई किसी टी चैनल के साथ एसोसिएट है कोई किसी न्यूज़पेपर के साथ एसोसिएट है कोई किसी रेडियो के साथ एसोसिएट है लेकिन बस वो निसाब पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको ये नहीं पढ़ा रहे कि मार्केट में जब आपने जाना है जो वहाँ पर करना है वो उनको पढ़ाया जाए ये पता नहीं क्यों नहीं होता क्योंकि मुझे तो अच्छा खासा तकरीबन हाँ नौ साल का एक्सपीरियंस हो गया था तब मैंने मैस कॉम किया और जब मैं वहाँ पर गया किताबें मैंने पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है और मैं अपनी पूरी क्लास को कहता था पढ़ लो पढ़ लो ये कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे जाके <laughs> तो आपका कोई फ्यूचर में प्लान मैस कॉम का सर uh, पहले जब मैंने सोचा कि यू टर्न तो ले लिया मैंने hmm. मास्टर्स किसी में किया किसी था की तरह यू टर्न लिया नहीं वो मेरे फेवरेट है <laughs> <laughs> जब टर्न ले लिया तो जब मैंने सुना कि अच्छा इस मार्केट में अगर आपने मीडिया में आना है तो आपके पास मैथ कम्युनिकेशन होना ही तो फिर मैं थोड़ी हो गई यार मैंने तो मैथ्स कॉम किया हुआ ही नहीं है लेकिन जब मैं अभी आ गई तो फिर मैं इन इसी को कंटिन्यू रखूंगी चाहे मेरे पास ये वाली डिग्री है या नहीं है आ, मैं ट्राई करती रहूँगी और इरादा ये कि इसको अब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी दूसरी जॉब को सेकेंड पर रखूंगी इसको फर्स्ट पर रखूंगी क्योंकि ये काम करते हुए मुझे अच्छा लगता है करें देखें काम वही होता है ना कि जो आपको करने में खुद अच्छा लगे भला लगे भला लगे और फिर आप वो करें अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं हमेशा मैं मुझे अच्छा लगता है पूछना कि ये जो वॉइस ओवर की एक्सरसाइजेज हैं ये कभी आपने घर में परफॉर्म की ये बहुत ही खतरनाक एक्सरसाइजेज होती है मैं सबको बता दूँ कि ये आप किसी के साथ बैठ के तो कभी भी नहीं कर सकते क्यों मतलब क्या अगला बंदा क्या ऐसा हो जाएगा मतलब जैसे ये ऐसी होती है या तो जिसमें उसको कुछ है नहीं लेकिन आम इंसान ना सर अकेले कमरे में बैठ के करेगा तो उसको खुद से भी हंसिया ही थी यार ये मैं कैसी, मैं कैसी कर रहा सर और ये होगा कि कोई बाहर सुन तो नहीं रहा आपको और फिर कोशिश की जाएगी कि अलग कोने में वो एक्सरसाइजेस की जाए बाहर कोई सुने ना कोई फिर लोग यार ये क्या कर रहे हो तुम तो एक्सरसाइजेस तो बहुत फनी है लेकिन गारंटी नहीं है कि आप किसी के साथ सुनेंगे तो वो क्या रिएक्शन देगा आपको नहीं। तो आपने की घर में सर मैंने की थी जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते थे तो वो कैसे लीक करती थी कि मैं कमरा बंद करके ना कमरा बंद करके भी कमरे के कोने में जाके तो जरा आराम वाली आवाज़ में थोड़ा सा स्लो स्लो करने की कोशिश की मैंने लेकिन शुक्र है किसी ने आज तक सुनी नहीं है मेरी आवाज़ें हाँ ये कि रिकॉर्डिंग के टाइम मेरी आवाज़ कभी ऊँची हो जाती है तो सबको फिर पता चल जाता है कि अच्छा कुछ हो रही है एक्टिविटी अक्टि, अच्छा तो जब ये घर वालों को पता चलता है कि एक्टिविटी हो रही है तो क्या करते हैं शोर में इजाफा कर देते हैं या ये वाला एलिमेंट हो जाता है घर के अंदर। जब मैं बताती नहीं हूँ और मैं करना शुरू कर देती हूँ तो फिर शोर में मजीद मजीद इजाफा होता है अच्छा। वो ना चाहते भी, भी गली में से भाई ये वो अच्छा। आए शायद बहुत शोर हो रहा है जैसे अभी हम कर रहे थे ऊपर वाले फर्नीचर खेच रहे और मोटरसाइकिल वाले भी जा रहे हैं हर है। किसी को अभी जरूरी काम है सर इधर से एक्टिविटी घर में भी होती है हाँ। लेकिन जब मैं बता दूं तो फिर कोशिश की जाती है तो हम खुद अपने आप को ज्यादा हसास कर लेते हैं या हमारे कान या हमारी वो हिस्स ज्यादा एक्टिव हो जाती है कि कहीं इर्द शोर ना हो रहा अमूमी तौर पर हो इतना ही शोर रहा होता है हम उस टाइम पे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि हमने स्क्रिप्ट पे भी मैं अपना बताती हूँ अगर मैंने स्क्रिप्ट पे भी ध्यान देना है अपने एक्सप्रेशन के ऊपर भी ध्यान देना है माइक भी सही हो फक फक की आवाजें ना आ रही एनवायरनमेंट भी

90 लोग जो है ना वो आजकल ये कोविड के बाद वॉइस ओवर आर्टिस्ट इसलिए बने हैं कि यूट्यूब चैनल बना लें हाँ. तो आपका भी कोई इरादा है जी सर बहुत <laughs> देख है और बहुत अरसे से लेकिन ये इंप्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरा पिस्तौल लेके आया है, <laughs> चैनल बन चुका है। अच्छा। अभी उस पर काम नहीं शुरू हुआ सर अभी मैं वॉइस ओवर की तरफ आ गई और यूट्यूब को छोड़ दिया मैंने अच्छा मतलब उसको अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही थी हालांकि सबके का मुझे मशवरा था कि अगर मैं जहाँ पहले जॉब करती थी वहां पे मैं ऑन कैमरा भी प्रोग्राम्स करती थी तो सबका था कि बहुत अच्छा कर लेती है तो अपने यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं आप इतनी मेहनत करती इधर क्यों करती हैं तो वहाँ पे शायद अभी मैंने टाइम अभी नहीं दिया है वॉइस ओवर अभी जो मैं सीख रही हूँ और मैं ये कोशिश करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश करूँ उस प्लेटफॉर्म पे भी अभी मेरा माइंड इधर है लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी है सर तो क्या जो चैनल आपने बनाया है उसके ऊपर क्या कपड़े सिलाई सिखाती हैं कुकिंग सिखाती हैं मेरा जो चैनल है ना उसका नाम ही खौला की आवाज़ है अच्छा वो फेसबुक पे भी अभी चल नहीं रहा मतलब थोड़े से फॉलोअर्स मैं उस पर पोस्ट पर ऐसे नहीं किया और जो यूट्यूब के ऊपर है उसका नाम भी होला की आवाज़ है तो मेरा जो आ, देखा जाए तो ये था कि अभी मैं इसके ऊपर स्टोरीज वगैरह डालूंगी क्यों आपको वैसे यकीन नहीं है कि आपकी आवाज़ है <laughs> <laughs> अब ये... इतनी अपना लोगों से सुन लिया था कि तुम्हारी आइडेंटिटी शायद लोगों के पास आवाज़ थी तो फिर मैंने कहा यार आवाज़ ही क्यों ना रख लूँ तो मैंने नाम ही ये रख लिया फिलहाल तो मेरा ये था कि कंटिन्यू चीज़ों को उसके ऊपर जो भी अगर मुझे रैंडम मिलेगा मैं अपनी बना दूं, या वी तो खैर इरादा नहीं है लेकिन ये था कि जो मुझे मिलेगा मैं कर दूंगी स्टोरीज कर लूंगी तो इस तरह की चीजें मैंने ये तो बिल्कुल वो वो वाला हिसाब हो गया ना कि को जो मिल जाए देती ये ये लो आज मैंने कहा कि सब डाल दूंगी जो चल पड़ेगी फिर बाद में उस एक को ट्रैक को पकड़ लूंगी अभी एक डिसाइड नहीं किया मतलब आपने एक चैनल बना लिया है उस चैनल पे अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रही है कि जो नीच या जो आपकी ऑडियंस जिस टाइप की ज्यादा

लेकिन वो ऐसे लचका लचका के पढ़ती है ना और लोग सुनते हैं और सर। लोग सुनते हैं मैं कहता हूँ सिर्फ अच्छा उनकी लच्चा वो लचकानी आवाज <laughs> के ऊपर <पूपा है> ना <laughs> और ऐस, ऐसे ना और और ऐसे व्यूज आते हैं पागल है लोग पता नहीं सर, लोगों की मैार ही खत्म हो गया <laughs> <laughs> तो घर में किसी और को कोई शौक इस हवाले से नहीं मैं घर पे क्या जहाँ वहाँ पे भी नहीं सर वो डीएफओ थे अच्छा लेकिन अब

लेकिन अभी इस ट्रैक पे चल पड़ी हूँ मेरे घर में क्या कि सर मेरे उस पूरे एरिया में कोई नहीं करता कोई नहीं करता ऑन कैमरा तो कुछ शायद ही कोई आता होगा वॉइस ओवर तो पता ही नहीं है लोगों को लोगों को लो, लो. मेरे इस पूरे एरिया इतना में कोई बैकवर्ड इलाका है क्या नहीं सर बैकवर्ड नहीं है लेकिन हुँ. ये कि लोगों की ना प्रेफरेंस में वो नहीं आता है लोगों का माइंड अभी उस तरफ नहीं लोगों का माइंड ये कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया आपने डॉक्टर बन जाना है आपने आर्मी में चले जाना है आपने तो वो उसी ट्रैक पे अभी चल रहा है वो ये मीडिया वाली साइड पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते मेरा जो था तो मैंने आई डोंट नो कैसे शुरू कर लिया शायद अल्लाह को मंजूर था तो मैंने अभी वॉइस ओवर कर लिया फिर घर वालों को बताना पड़ा कि मैं ऑन कैमरा भी आती हूँ तो थोड़ा समझा बुझा के आ गई तो बस चल पड़ी तो वहां बैस सच अच्छा मैंने आज तक आज तक मैंने कभी किसी से ये सवाल नहीं किया जो मैं अभी आपसे करने वाला हूँ कैसे रसाई है जब मैं वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया था ना तो जहां मैं वॉइस ओवर करती थी पहले जो एक वेब चैनल के साथ मैं काम करती थी तो वहां पे कुछ वेब चैनल इस्लामा इस्लामा में जहाँ मैं जॉब करती थी उनका ही एक वेब चैनल है अच्छा तो मैं उधर ही काम करती थी लाइक अपनी ये, ये कॉमर्स वाली जॉब भी थी ऑफिस जॉब भी थी तो साथ ही मैं दूसरे सेक्शन में उनके मीडिया का भी करती एक थी से दो शिकार दो शिकार करती वहां मुझे शौक होता था ना यहाँ से थोड़ी बातें भी सुन मतलब होता था मैनेजर से सुन ली कि क्यों चली गई तो मैं जाती जरूर थी तो वहां पर थोड़े मीडिया के लोग जो थे ना तो उन्होंने मुझे बताया कि वॉइस ओवर में ना एक्सप्रेशन जरूरी होते हैं आप इन चीज़ों को ना सीधा हैं थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेके तो मैंने तब सुना कि अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है फिर उसके बाद जब मैंने कहा कि यार मैं किससे सीखूं मैंने सर एक डेढ़ साल में ना बहुत लोगों को कहा अच्छा। कि प्लीज़ मुझे सिखा दें मैं एक डायरेक्टर में मैं नाम नहीं लूँगी रेडियो में एक है मैं इवन उनके पास भी गई वो बहुत नाइस लेडी है लेकिन हुँ। शायद हुँ। उनके पास वक्त नहीं होगा मैंने उनसे भी कहा एक और सिंगर भी है जो वहाँ पे आते जाते थे मैंने उनको भी कहा कि मुझे सर सीखना है आप मुझे कहीं किसी को सजेस्ट करें तो मैं जब उन खातून के पास मिलने गई तो वो बहुत अच्छा खुद भी वॉइस ओवर करते हैं उन्होंने तो कहा कि ठीक है आप स्टार्ट करें लेकिन सिर्फ का लोगों ने कहा लेकिन मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था मैंने बहुत लोगों को कहा कि यार मुझे कौन सिखाए फिर एक इंडियन है वॉइस ओवर आर्टिस्ट है बहुत अच्छे मैंने उनको सुना यूट्यूब के ऊपर वो बड़े मुझे अच्छा लगा उनको सुनना मैंने उनको सुनना शुरू हुसैन उनसे जब अब मैं उनसे नहीं कर पाती थी मुझे नहीं समझ आती थी कि अब मैं इनसे कैसे सीखूँ फिर के यह है कि वो मेरे ग्रुप के अंदर भी मौजूद <laughs> हैं वो कमेंट भी करते हैं रिप्लाई है मुझे कभी नहीं करते <laughs> <laughs> शुक्र है मैम हमने कभी की कोशिश ही नहीं की हमें तो बिल्कुल ही, ही ना मैंने ना करते। दो दफ़ा उनको उनसे करने की कोशिश की है उसका मकसद कुछ और था वो कुछ मैं कुछ ज्वाइंट वेंचर्स प्लान किया हुआ था बहुत अच्छा प्लान है आ, लेकिन उनसे अभी तक रही नहीं हो पा रहा अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है भाई आ जाइए कर ले यार मेरा मेरा मैसेज देख ले यार बहुत

सिखा रहे शुक्र है कोई मुझे मिल गया ऑनलाइन सिखाने वाला। मैंने फटाफट मैसेज करके इनरोल करा दिया खुद को ठीक है तब से भी मैंने जाना कि अच्छा सर वॉइस ओवर करवाते हैं ये इतना अंधा है तबार कैसे? जब मैंने आपकी सिर्फ वो एक वीडियो देखी थी ना तो मुझे वो क्लिक की थी कि जो ये चीजें बता रहे हैं कि वाकई में ये भी है ये भी, है, ये सी भी है थी सर आप वॉइस ओवर के बारे में ही बता रहे थे अच्छा ठीक है कि वॉइस ओवर क्लास होगी हम उसमें ये ये पढ़ाएंगे जब मैंने सुना कि ये ये चीजें आने वाली हैं तो मैंने कहा अच्छा ये तो अच्छी चीजें हैं तो वो चीज़ क्लिक की कि अच्छा सीखना चाह रही हूँ और ये सिखा रहे हैं तो मैंने वहीं पे खुद को एनरोल करा दिया और फिर मैंने वहीं से अपना जर्नी सीखने वाला स्टार्ट किया था। ऐसे मुझे इनबॉक्स में सवाल आते हैं ना कि मैं बता नहीं सकता आपको कि कोर्स ज्वाइन कर, नहीं करना होता चस्के लेने के लिए आते हैं वैसे लोग अक्सर ओ एल पे लिखा होता है कि चस्का पार्टी दूर तो मैं ऐसा नहीं लिखता मेरे पास जो भी लोग आते हैं कोशिश करता हूँ कि उनको सवाल के जवाब दूं अब कल ही की बात है मुझे एक साहिब ने स्क्रीन शॉट लेके बाकायदा मुझे उस पर वो किया व्हाट्सएप किया कि उसमें तस्वीर के ऊपर उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि सर इसको क्या कहते हैं मैंने भी देखा था मैंने उसी को नीचे तीर के निशान के साथ लिख के मैंने नीचे लिख दिया कि नेम वह भाई उसके नीचे उसका नाम लिखा वाये। वाये। हुआ है कॉमन सेंस नहीं है ना तो सर हमें ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए भाई जाओ बोलचाल के नाम से फेसबुक पे ग्रुप है वहाँ जाओ वहाँ से डाउनलोड कर लो सर लिंक दे दे तो मैं उनको कहता हूँ भाई इंस्टॉल करके तुम्हारा काम करके भी ना दे दूँ मतलब जाके इतना भी नहीं कर सकते हाँ इतना मतलब हमारी आवाम माशा से सुबह अल्लाह इतनी तेज है, 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 है।, है और इतनी कॉन्फिडेंस है। 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 भी ऐसा है बस ना ही पूछे धड़े से सवाल पूछ लेते हैं सर अच्छा एक और सवाल जो इस वक्त बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं जो इस नहज तक आ गए हैं कि हमें उन्होंने 35 मिनट देख लिया क्या बात है तो तीन चार पांच क्लासों के बाद तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन ही जाते होंगे और कमाई भी शुरू हो जाती होगी अच्छा एक मज़े की बात है कि जब हम मैं अपनी कहीं प्रोफाइल लिखती थी ना तो कि मैं मैं क्या लिखूँ वॉइस ओवर आर्टिस्ट लिखूँ तो अभी तक जब मैं लिखती थी ना ख़ुद को वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो मैं थोड़ा सा दिल में ना मतलब वो कॉन्फिडेंट होकर लिखती मैं बोलती यार कहीं लिखा हो गया कहीं आदि वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो मैं वो लिख लूँ शायद खुद को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता था तो अभी भी मुझे लगता है कि अब मैं किसी को बोलूँ मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार मार्केट में तो अभी और भी इतने अच्छे लोग बैठे हैं मुझे तो अभी नहीं बोलना खुद को तो तीन चार क्लासेस के बाद अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है और इन जल्दी खुद को कॉन्फिडेंटली बोलूँगी वॉइस ओवर आर्टिस्ट और अच्छा लगता है सर जब आप किसी तरफ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हो और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो तब आपको अंदरूनी सुकून मिलता है नहीं अब इसमें देखें आपने अब कितना अरसा हो गया है कि इसके साथ आप लगी हुई हैं और मुसलसल तो, लगी है। ये सर अगर मैं स्टार्ट से याद करूँ तो ये कोई दो साल से तो ज्यादा का अरसा हो गया है मतलब दो साल के बाद मैंने अब जाके पिछले छः माह छः सात माह से सीखने लगी हूँ। उससे पहले एक डेढ़ साल तो मतलब मैं वैसे ही हम रही। वो डेढ़ साल भी निकाल देते छः सात माह मुसलसल आप लगी और एक एक ऐसे शख्स के साथ या एक ऐसे आप यूँ समझ लें कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहा कुछ गाइड करने वाला आपको मिलता रहा तब आपने सिक्स मंथ के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट की तो मेरा ये सवाल था कि लोग मुझसे आगे ये सवाल करते हैं यानी कमाई पे भी हम आएंगे कि क्या हम दो या तीन क्लासेस के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हम प्रॉपर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं सर टाइम लगता है बिल्कुल टाइम लगता है और जब आपको टाइम क्यों लगता है सर क्योंकि आपको तो समझ नहीं आती लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हैं ना तो फिर जब आप सुनते हैं तो आप कहते तो बहुत हैं आसान होता है आप पेज पकड़े और पढ़ना शुरू कर दें नहीं होता आप किसी को अपना अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को कहते हैं कि आप जब हम किसी को आप भी कहते हैं तो ये हमने सुनने वाले को फील करवाना है ये हम आपको कह रहे हैं मगर हम आप भी कह देते हैं तो ये एक छोटी छोटी चीजें जो हमने सीखनी होती है ये जब जमा हो जाती है तो ये बहुत सारी चीजें बन जाती हैं तो ये टाइम आपने लगता अब है। जो बात करनी है मेरे से वो आपने देखना मुझे है लेकिन आपने वो सुनानी इनको है अच्छा ठीक ठीक है थीक है आप क्या कर रही हैं <laughs> 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 आप जरा यहाँ भी तो मुतवजा हूँ आप सुबह से उधर ही बिजी है जी जी आप काफी मोबाइल में मसरूफ है इसीलिए मैंने कहा आप बहुत बिजी हैं आप यहाँ भी तो ज़रा तवज्जो दें तो ये चीज़ें हैं सर कि टाइम लगता है सर मुझे अभी भी जाके लगता है कि अभी भी हाँ मुझे एक्सप्रेशन जब मैं आपके साथ बोलती हूँ तो एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं फ्लैट हो जाते हैं मेरे भी और जब मैं खुद भी सुनती हूँ तो मुझे फिर लगता है कि नहीं इसको दोबारा करूँ ये फ्लैट हो जाता है इस बात का मकसद सिर्फ़ इतना था कि ये थोड़ा सा उन लोगों को बताने के लिए कि जो ये समझते हैं दो क्लासेस या तीन क्लासेस के बाद मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैंने सिर्फ़ आपको राह दिखलानी है मैंने आपको ये बता देना है कि स्टेयरिंग को ऐसे पकड़ेंगे ठीक है ऐसे गेयर लगाना है ऐसे गाड़ी आपको हल्का फुल्का आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं ना वो आपको सिर्फ़ गाड़ी चलाना थोड़ा बहुत आगे पीछे करना उसको वो इतना सिखा देते हैं बाकी कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर तब आता है जब आप बकायदा गाड़ी को लेकर निकलते हैं हाईवे पे जाते हैं आप हर तरह की ट्रैफिक में उसको चलाते हैं फिर फिर आप ऐसे कटे मारते हुए गुजर जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे आपका तजुर्बा बढ़ता है आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर और अच्छे अंदाज से पता चलती हैं तो ये फील्ड भी ऐसी है इसकी मिसाल एक और मैं देता हूँ कि गाने वाले आप देखें इवन के आप आतिफ़ असलम को देख लें शुरू वाले गाने जाके सुने और अब वाले गाने जाके सुने जमीन आसमान का फर्क है बहुत ज्यादा अब उसने वक्त के साथ इम्प्रूव किया राहत फ़तेह अली खान साहब को आप देख लें कि उनके शुरू वाले और अब वाले तो वक्त गुजरने के साथ साथ तजर्बा बढ़ता है चीज़ें सीखता है इंसान और नए नए जब तजर्बात करता है तो बेहतरी आती है दो तीन चार क्लासेस उनके अंदर मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊँगा करनी तो आपने है ना आप करेंगे जितनी करेंगे ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा आप जितनी ज़्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा जितने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशंस वाले आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा तो ये तो बहुत बहुत आसान सा है और हम बस दो तीन क्लासेस के बाद और अर्निंग तो लाखों में कमाती होगी हाँ नहीं बहुत अच्छा सवाल किया लोगों को शायद लगता होगा लेकिन मेरे जर्नी में ना ये फ़िलहाल अब जाके शुरू हुआ है हो गया माशाल्लाह से अब कहीं ना कहीं हाँ. थोड़ा बहुत वो भी ऐसे था कि स्टार्ट से तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती हुँ, रही हुँ, कोई मतलब उस वक्त मुझे पैसों का नहीं था कि मुझे कुछ पे किया जाए बस मुझे था कि करना है करना है अब जब आहिस्ता आहिस्ता सीखा है तो अब कहीं से आपको स्टार्ट हुआ है कि आपको हम पेड काम कराएंगे तो वो अब जाके हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन भी आप अच्छा कमा सकते हैं आप तो मान मानसा कि बादशाह तो नहीं मलका हो जाएंगे अब तो। सर <laughs> इन फ्यूचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बड़े <laughs> अच्छे हैं लेकिन वहां पे भी अर्निंग के लिए आपको मार्केट में काफी कम्पीट करना पड़ता है <laughs> तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है तब जाके अर्निंग होती है। मैं ये कहता हूँ कि लोकल मार्केट में काम पकड़े करें उसका एक्सपीरियंस लें आपका क्या बन रहा है आपका प्रोफाइल बिल्ट हो रहा है आपके पास सैंपल्स क्रिएट हो रहे हैं फिर आप यकदम ऑनलाइन फेंक दें इधर छे सात छः सात इधर छे सात इधर और उसके बाद जो है वो आप कल परसों में देख रहा था एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के नाम से एक फेसबुक के ऊपर ग्रुप है इंटरनेशनल ग्रुप है उसमें एक मोहतरमा ने लिखा हुआ था किसी भी किस्म का पांच मिनट का वॉइस ओवर आप मुझसे सिर्फ ढाई सौ रुपए में करवा लें और आप यकीन करें नीचे कमेंट्स की भरमार और हर बंदा कह रहा है चेक इनबॉक्स चेक इनबॉक्स अब मैं उसको देख के हंस रहा था और आप ये देखें कि वो जो चेक इनबॉक्स वाले थे और वो जो मोहतरमा थी दोनों का मैार क्या होगा वो ढाई सौ रुपये में पाँच सौ पाँच मिनट का वॉइस ओवर जो करके देंगी और जिन्होंने करवा के अपने चैनल पे लगाना है दोनों तो का क्या मैार होगा और नीचे एक हमारे चीते जो अरसलान हैं उन्होंने नीचे कमेंट किया हुआ था बीबी अपनी क्यों मार्केट खराब करी है और साथ में हमारी भी <laughs> तो मैं ये बात बहुत है आजकल आप जिस ग्रुप में जाएंगे आपको पांच मिनट का वॉइस ओवर डेढ़ सौ में भी मिल रहा डेढ़ सौ में भी मिल रहा है ये मैंने भी देखा है इतना फ्री में मिल रहा है कभी कभार ऐसे भटकते हुए लोग मेरे पास भी आ जाते हैं तो सर हमने वॉइस ओवर करवाना है अपने यूट्यूब चैनल का लिए मैं कहता हूँ जी ठीक है कर देंगे तो सर क्या चार्ज करेंगे आप Uh, मैं उनको कहता हूँ कि जी बीस हज़ार या पच्चीस हज़ार जिस नोयत का उनका काम होता है तो सर ये रोज़ाना फिर आप एक महीना इतने पैसों में करके देंगे मैंने कहा बेटा ये एक मिनट के एक दफ़ा के चार्ज हैं सर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं या हमसे जो है वो कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं आप जो है वो तो मैं कहता हूँ बेटा आपको भी पता नहीं है आपको भी इसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है आपने अभी तक प्रोफेशनल बंदे से काम करवाया नहीं है तो जब आप करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोफेशनल काम में क्या फ़र्क होता है और इसी तरीके से एक यूट्यूब चैनल ने अप्रोच किया था मुझे उन्होंने काम करवाया थोड़ा सा उनके साथ नहीं इतनी मेरी लोहाई हुई आ, कुछ मसाइल थे उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट उन्होंने नहीं की और उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है आप जाएँ प्रोफेशनल काम अगर आपको मार्केट से मिलता है उन्होंने दो तीन जगहों से काम करवाया लेकिन वो जारी सी बात है कि जब वो सुनते थे और वो सुनते थे ज़मीन आसमान का फर्क होता था फिर बेचारे घूम के वापस आए और फिर वो काम किया तो जब आप क्वालिटी वर्क करें डे फर्स्ट से करें तो वो क्वालिटी वर्क आपको शायद शुरू में पे ना करे उस तरीके से ना करे लेकिन वो आपको बाद में जाके इतना पे करेगा कि आपकी पहले वाली कसर निकल जाती है आपके बरूने धोने निकल जाते हैं थैंक यू सो मच खाला थैंक यू सर थैंक यू आपने मौका दिया कि सर मैं बोल सकूँ और जी खोल के बोल सकूं नहीं अच्छा लगा बल्कि बहुत सारी चीजें जो मैं हमें हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ कि लोग बता दें लेकिन लोग नहीं बताते तो आज शायद कैमरे के डर से खाला ने बता दिया है सब कुछ सब बता दिया सब बता दिया <laughs> है सब कुछ निकल आया है और इन्होंने हल्फ भी उठाया है कि जो इन्होंने बताया है वो ठीक बताया है और किसी किस्म की पेड़ कोई चीज़ नहीं थी इन जी ये टेबल टॉक का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा होपफुली कि आज की इस वीडियो से भी आपने सीखा होगा और मज़ीद सीखने के हवाले से चैनल के साथ जुड़े रहें उन सत्तर फ़ीसद लोगों से ये मैं आज कहना चाह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो यार <laughs> क्यों नहीं कर रहे बेल आइकन को दबा दो कुछ नहीं जाएगा यकीन करें कुछ नहीं जाएगा और लोगों का भला हो जाएगा आप सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा YouTube को इनडायरेक्टली लगेगा यार कुछ ना कुछ वर्थ है तो वो और लोगों को दिखाएगा चैनल को और लोग सीख लेंगे जो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं अभी भी लोग आते हैं ओहो सर हम तो बड़े बहुत लेट हो गए आपके चैनल पर पहुँचने में तो वो जो लेट हो रहे हैं लोग उनको लेट ना होने दें ख्याल रखें, दो में याद रखें, ठीक है अल्लाह हाफिज़